पिछड़ा दलित बा अब तलक दुख में होता कर संविधान साहब बनाए न होते कांशी राम साहब नेताजी मुलायम आरक्षण दीप जलाए न होते। कलम रुक रही लिखते अबिरल कहानी तुम्हारी कपन्ना उठा करके देखो आंखों से आएगा पढ़ करके पानी। कैसा संकेत है बोतल रख दे सामने जा से बहता है आंसू अरे शीशक शीशक इतिहास की शुरुआत है। हाँ 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 शेर एक लख पीर का अनुभव सीने में यही हंसा है सीने में यही हंसा है वो क्या बात के अंतर में नाहर चढ़ फंसा है। क्रांति की आई बेला क्रांति की आई बेला पिछड़ा गरीब ललकारा पिछड़ा गरीब ललकारा फांसी का धंधा चूमा अंग्रेजों को जब मारा। लेकिन छुआ छूत का ऐसा फंदा कि हमें गले में डाल करके हमें इतना दूर कर दिया गया। स्टोरी की शुरुआत है कर्नाटक प्रांत की गाथा कर्नाटक प्रांत की गाथा सुन करके कलम रुक जाती लिख करके कलम रुक जाती माँ बहन ने अपनी आबरू कैसे बढ़ा दी। एक लाख के साथ में वही क्या हुआ क्या उसकी गलती थी लेकिन धोखा हुआ। इतना ही नहीं जब लड़ाई आई क्रांति की इतिहास उठा के देखेंगे चौरी चौरा हो चाहे आपके बनारस का क्रांति हो चाहे गाजीपुर बलिया की क्रांति हो सबसे पहले आजमगढ़ जिला रहल बनारस तो अलग था आजमगढ़ में गाजीपुर भी था और गाजीपुर जब कटा आजमगढ़ से तो गाजीपुर का क्षेत्रफल भारी पड़ने लगा तो गाजीपुर से बलिया बनाया गया एक गजेटियर बताता है और आजमगढ़ का अभी भी क्षेत्रफल भारी पड़ने लगा तो आजमगढ़ से काट करके मऊ जनपद बनाया गया। मैं वहां की बात बताने जा रहा हूं कर्नाटक प्रांत में आखिरकार एक गरीब तबके एक अमीर तबके और आदेश हो गया एक गरीब समाज के लोग दलित पिछड़े के लोग मोच बढ़ा के नहीं चलेंगे जूता चप्पल पहन के नहीं चलेंगे इनकी बहु बेटियां यहां से लेकर के शरीर ढकेगी लेकिन यहां से लेकर के नंगा चलेंगी और उसमें भी जिसका अस्तन भारी पड़ेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। हाय हाय बड़ा गजब होगल हो गया बड़ा गजब होगल
लोरिक सौरू तो पीरियड में थे जब शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। चाहे हमसे गलती होती है, चाहे उनसे गलती होती है, चाहे किसी से गलती होती है, लेकिन इस पोजीशन में माँ बहने बिलख रही है, रो रही है, एक लाइन संकेत आओ। पसंद नहीं मन के भोजन रोवत पान हो, कहिया बदली कर्नाटक में जानते हैं दलित समाज को अहेजा कहा जाता है, बैकवर्ड समाज को नाडर कहा जाता है। आदेश है हम सबके लिए, चाहे नंदलाल हो खे, चाहे छोटे भाई सुरेंद्र जी हो खे, आदेश था कि आप लोग इस पोजीशन में नहीं चलोगे। आपकी बहू बेटियां आधा शरीर ढंग के आधा शरीर नंगा करके चलेगी। गजब हो गल भैया, तन के बसान नहीं पेट के भोजन चोहत बान हो, कहिया बदली ससनवा चोहत बान हो, तनवा उघार कहके चलली डहरिया। संविधान नहीं होता अगर ये मसीहा नहीं होते। दो तीन ठे भाई हमारे होंगे वो जिनसे जात हुए, उनके समझ में आवत था कि बढ़िया वो है, फर्स्ट क्लास का वरदान मिल जाता, मानो के तो पगड़ी बांध ले हल जाता। वो वरदान से, वो पगड़ी से हमन का उद्धार ना हो पाई। इतना बड़ा उपकार माहर यादव किए, फिर भी उनके साथ ही इतना बड़ा अत्याचार। अगर अत्याचार करने की क्षमता होती तब क्या होता, लेकिन न तब थी न आज है, न तो हम चाहेंगे कि हमारे लोग अत्याचार के रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चले। सही रास्ते पर चलने के बाद तो हमारी ये दशा है, अब गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमारा साथ कौन देगा। आखिरकार माँ बहने इस रूप में चलती है, देख देख करके लोग छीटा कसी करते हैं, रोरी मारते हैं। ये छोटे समाज के महिला जा रही है, औरत जा रही है, बीवी बच्चे जा रहे हैं, आए हैं वही बीच में दिखें, गौर करेंगे एक घटना घट जाती है। और संकेत और लाइन क्या, बड़ी अनमोल लाइन है, ये मई कंपोज कर दिले है। कैसे कि कहीं रमटिया के तीन तीन खेलावा ना मोर पलमुआ हो, मोर पलमुआ हो पनवे वाला ये कहीं कुम्हारे।
जिस मट्टी का नंदलाल और सुरेंद्र जी है उसी मट्टी से माँ बहने भी है, उसी मट्टी से जे के नपुंसक कहल जला उनको भी बनाया गया है। कौन है वो कुम्हार जो इन तीनों को तीनी ने बनाया है, मर्द औरत और नपुंसक, वही जला कहला चाहे छक्का कहला तुहार बात वह है बतिया है। और मैं संकेत दे दिली थोड़ी सा शारदा सिन्हा के और थोड़ी सा दैया मैया रे अब न जेबे भट्टा कंपोज है पहलवा एक तर्ज में दो तीन ठे मिला दहल जा। हाँ 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 दैया मैया रे अब न जेबे भट्टा पर कमाए। लेकिन उसी गांव में जिस गांव की मैं घटना देने जा रहा हूँ वही गांव में जब कलित कर भवानवा मोरे पीरानवा हो मोरे पीरानवा हो सोहन यादव बचपन कैयार के सर्च करबा गूगल पर तो सामने प्रत्यक्ष दिखाई देई आ उकुल जवन मन गावल जला हम बहु पहलवा गाई बाद में समझ के केरे ये हमन आपन चीज नंगा करत है जा और ठीक ना करत है जा। पहले नाव था केरल का त्रावणकोर, त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा का ही ये आदेश था जग्गू चमार का बहिन नंगली बहिन चलली तनवा के ढाकी के लगल खबर उग्रवादी नीच साफ के आय हाय जग्गू अहेजा की बहन नांगली, नांगली कलस की हम अपन शरीर ढंग के चल, हमार शरीर है हमार कपड़ा ई के हम इनकर हमन कमा खात है, किनकर हमन कर्जा ले ले है, किनकर हमन नौकर चाकर है, ये अपने के राजा हुए बड़का हुए तो अपने के हुए। और ये जान कर कि एक बेटी आपके घर से निकली और पता चल गया कि एक जग्गू अहेजा की बहन इतना बड़ा गलती कर रही है, बीच में दो चार दस नौजवान मिलकर के ओकरे शरीर का आधा कपड़ा नोच के निकाल दे। गलत में पता नहीं है, आदेश नहीं है मार्तंड का, मार्तंड के विषय में तू नहीं जानती हो। वही जन से देखे वो बहन रोती हुई घर आती है और आती है तो हुआ क्या, रोवत बहिनिया भवनवा पे आई तैले आ देखी के गरम भइले मोहन पहलवाना। एक तरफ जग्गू चमार का घर, एक तरफ मोहन यादव का घर, और दोनों बचपन से नमोटिया यार, इतना काफी लगाव था कि साथ में लड़ना, साथ में खाना, साथ में रहना, गोरू भैंस चरावे, गरीब रहले लेकिन जवान रहले शरीर में जान रहले। और चरपाई भी एक तरफ उनके दरवाजे पर तो एक तरफ इनके दरवाजे पर, एक दूसरे को लोग हमेशा भर नजर देखते रहते थे, इतना प्यार। जग्गू तो नहीं है लेकिन मोहन नाडर बढ़िया का देखत हुआ घड़ी भैया बढ़िया बढ़िया भैया बढ़िया लेला कुर्सियां लेला तमाम कुर्सी उनकी राहे था। और मोहन पहलवान दूसरा दुर्वेश देखले
मोहन पहलवान जब दुर्वे से देखल कि बहिन नांगली रोवत यावतिया आय हाय बर्दाश्त ना भेल का सोचत हवन हमरे जिया त कैसे बहिनी के लाजी जाई अखिया में नाच लगल सेरवा के खुनावा द्रौपदी के लाजी आप जावे खातिर रनवा में लेके लाठी टूट गई रे गंवा में जावना बर्दाश्त ना भेल भैया हो जग्गू ना हो मैं लेकिन जग्गू के बहिन हमार बहिन हमार बहिन जग्गू के बहिन बर्दाश्त ना भल मोहन पहलवान के मोहन नाडर के पहलवान आदमी कहले कि रे हमरे बहिन के ई दुर्दशा करवाला के कौनो इनकर हमन करिया ले ले ही इनकर हमन कुछ खैले है हमन आपन कमात खात है आपन पहिनत है इनके आदेश के तले हमन नर रहब आ लाठी लेके पहुंच गईले गांव में इहे ना बर्दाश्त है आ जब पहुंच गईले तो एक ठे फिल्म का गीत लगल पहन चली तीन रंग की छोड़ी पहन के साथ में मर्द बनते हो अगर मर्दानी दिखानी है आओ मोहन पहलवान अकेले आया है फौज लेकर के नहीं आया है कराजी पाला शेर पपारा पाला जोर जोर से ऊंचे स्वर में आवाज देने लगे मोहन पहलवान कहां बर्दाश्त हो है मार्तंड वर्मा के जवान दस से पहुंच गए ने आ जब दस से पहुंच गए ने तो देखे गोली मारदा दूर से उठी ख लेकिन हाथ जहिया मिलेबा ओह दिन पता चली कि गरीबन के गट्टा में बाह में कितना बल है ओह दिन पता चली जेके बैकवर्ड बैकवर्ड का मतलब जो बैक हो गया पीछे पीछे हो गया दलित का मतलब हर मारी मारी पगली आ रही के यने बोले कई रे हर मारी पगली आ रही के यने बोले कई रे अच्छी बिटिया दी है गोली मार लोग यही ये घमंड में गर्व में कि हमन मारदंड का आदमी है और जो आदेश होगा वो करना पड़ेगा जिसको जीना है वो इनकी बात मानेगा तो दस जाने के तो लोटाए देना है मारदंड के खबर गई कहा कि देखते क्या हो पहलवान है ऐसे मात नहीं खाएगा लाठी से नहीं सफल हो पाओगे बांस नहीं सफल हो पाओगे गोली मार दो आय हाय हाय पहलवान के छिप के गोली मार दे जब गोली मार दे गई धरा पर गिर पड़े जग्गू के पता चलल भागल एले कहलन भैया ई का हो गल ऐसन कहे कैला जब जानत हुआ कि दुश्मन हुए तो अकेले हमके छोड़ के अरे हमहू के साथ ले ले होता हमहू गोली खा के चल दे लेकिन ठीक ना कैला मीत ई ठीक ना कैला आय है सिसकिया भर रहे हैं उठा के हॉस्पिटल में ले गए दवा दर्पण भइल न शासन साथ दे रहा है न प्रशासन साथ दे रहा है शासन प्रशासन तो उन्हीं का है लेकिन अंतिम क्षण जब हो गयल जग्गू के बुला के कहले कि ये काम करा तनी से हमरे दुलहिन के बुला दा
बिमला दुल्हन के खबर गई। बिमला दुल्हन एक बच्चा है माखन नाम का बेटा लेकर के पहुंचती है। जब पहुंचती है तो उस समय कहत का हूं सिखिया मोती ने पवली खबर बिमला पुजारिया हो गई बेटा के भी मार दी है एक कह हमार बेटा हमार चिराग बुझ जाइए। जग्गू के बोला के कहले दिलवा के बटिया हो टूटना पीरित कबो हमरो संगतिया हो। मोहन भगवान जग्गू से कहले भैया अब हम जात है समय ना है लेकिन एक बात बताई वादा करा। हाथ पकड़ ले अपने बेटा के अपने पत्नी का कल वादा करा हटिया बजरिया अब हमार बेटा हमार पत्नी दोस्त हुआ ना तोरे हवाले तोरे धर्म के पीछे अब हम जात हैं। मोहन पहलवान का दम टूट गए। मोहन पहलवान का कफन दफन कैल गेल। कफन दफन कैले के बाद चार दिन बीतल उदास अपने दरवाजे पर जब्बू यहेजा बैठल हुए आ तबले आस दस ठे लौंडा आठ दस गो लौंडा अने पर मारदंड के और जग्गू के एगो पेड़े में बांध दे पेड़े में बांध के कहला कि बहुत शौक है तेरे बहन को सब तन ढक के चलने का आया है तो आज तन ढको लेकिन आज हम लोग टैक्स लेने आए आज हम टैक्स लेने आए हैं नाप नापेंगे क्या इसके बाद तो टैक्स लेंगे और यही टैक्स हर लोगों से लिया जाता था। हफ्ते में मारतंड के आदमी घूमते थे दरवाजे दरवाजे और केले के पत्ते में लोग पैसा बंद करके थमाते थे और वहां कोष में जाकर के जमा होता था। लेकिन जब ये बात जग्गू यहेजा की बहन नांगली सुनी तब दलित बालिका गरज पड़ी पापी सुन ले अंजाम मेरा सर कट सकता ना झुक सकता यही सुनो पैगाम मेरा। जिस मर्यादा के चलते मोहन जस देवता ने जान गवाया है अरे क्या भूल मजा उस देवते को क्या सोच करके पापी आया है। तब गरज पड़ी बाला कर में तुरंत उठा कटारी है अरे ले काट ले पापी अस्तर मेरा अपने अस्तर पर मारी है। कलश की नापोगे नापने आए हो शरीर पर हाथ नहीं लगा पाओगे जबरा हो बड़े हो धनार्द हो तुम्हारी हुकूमत है लेकिन यही चाहिए ना इसी को नापने नापने आए हो ना। अंदर जाती है एक छुरी सब्जी काटने वाली छुरी उठाती है अपने यस्तन को काट करके केले के पत्ते में बंद करके लाके थमा दी ले अपना टैक्स ले ले। आवाक हो गए मारतंड के लोग रे बाप रे बाप इतनी बड़ी हिम्मत हम तो समझे कि मोहन यादव मर गया हौसला इन सबों का मिट गया होगा लेकिन एक लड़की गरीब की जा करके बताते हैं वहां मारतंड वर्मा को। अजय मारतंड सुने एक बार वो भी आवाक है कि इतना बड़ा हौसला
लेकिन उसी दिन देखा ये गरीब समाज के लोग, दलित पिछड़ा वर्ग देखे आपस में लोगों को लोग इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके काम करते हैं, करते क्या है, यह जमीर जंगल जबले कुर्बानी नहीं देंगे तब तक हौसला और हिम्मत बुलंदी नहीं छुएगा। कुर्बानी देना पड़ेगा, कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। उस समय किए क्या दलित पाए कब आज तब अरे पी गुलाबल हो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा। टीपू सुल्तान न्यायप्रिय राजा थे, छोटे छोटे रियासत में हम बटे थे और टीपू सुल्तान को अपनी दास्तान ये गरीब बैकवर्ड ये दलित समाज के लोग जा करके वहां बताए। आज जब टीपू ये बात के सुन ले लोग बतावत हूं का बतावत हूं पापी सब कमी न मिल के अरे हलवा चल वाला हो पीरवा पानी बनल हो पीरवा पानी बनल हो पीरवा पानी बनल जवान सामने प्रस्ताव होते हैं कि साहब आपके आदेश पर हम लोग कुर्बान हो जाएंगे लेकिन हम लोगों की मदद कीजिए, हम छोटे छोटे रियासत में बटे थे। आज जब टीपू सुल्तान मैंने कहा ना कि न्यायप्रिय ए मुसलमान शासक, आज जब इस बात को सुना तो टीपू सुल्तान अपने म्यान से तलवार खींच लिया और म्यान से तलवार खींच करके भात का संकल्प लेता है कि हमें भाव आए हैं। अरे महाभारत फिर चाहिए हिंद में, महाभारत फिर चाहिए हिंद में, हमारे जीते अपना पहन के अबरू चाहिए। ये नंदलाल रवि नहीं बोल रहा है, टीपू सुल्तान आपके मदद में ज्ञान से तलवार खींच करके बोले मानव मानव जब एक यहां तो ऊंचा नीचा कैसा है, ऊंचे बनते हो इसीलिए कि तेरे पास में पैसा है। हम अधम काम तेरा करते हैं, हम अधम काम तेरा करते हैं तो हमको नीचा कहते हो, ईश्वर का नाम ले झूठे बैठ कर अपना धंधा करते हो। देखें मंदिर पर क्या एक ही आदमी का अधिकार है, बाप बैठे बेटा बैठे नाती बैठे पोता बैठे। आप पढ़े लिखे हैं इसीलिए बाबा साहब ने संघर्ष किया कि यहां भी हमें जगह चाहिए। हम किसी देवी देवता के खिलाफ में नहीं, किसी मंदिर के खिलाफ में नहीं, यहां भी हमें जगह चाहिए, इसमें भी हमारा अधिकार होना चाहिए। भगवान भी हमारा है, जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा है। आप पूजा करना चाहते हैं तो हमको भी मौका दिया जाए। अभी देखे हैं एक लड़का मंदिर में घुस गया, बुरी तरह से उसको पीटा गया। ये कैसे हम हिंदू बनते हैं, कब हिंदू बनते हैं, जब किसी मुसलमान से लड़ना होता है तब हिंदू बनते हैं, जब वोट देने की बात आती है तब हम हिंदू बनते हैं, और जब ये काम निकल जाता है तब हम अलग अलग जातियां में बांट दिए जाते हैं। यही कष्ट है, नहीं होना चाहिए। आपका संविधान ये नहीं कहता है, आपका संविधान तो धर्म निरपेक्ष है। टीपू सुल्तान
आवाज देते हैं, आवाज क्या दी है, क्या बात है क्या? अरे प्रणाम टीपू सुल्तान ललकारी हमारे देश में अब न चली है पहिना बेटी उधारी हमारे किसी बहन बेटी के साथ अन्याय अगर होगी तो टीपू की तलवार उसके खून से अपनी प्यास बुझाएगी। क्या गलत किया टीपू सुल्तान ने? टीपू सुल्तान ने गरीबों का हमदर्द बनकर के, आपका मसीहा बनकर के आपके लिए जिहाद छेड़ दिया। टीपू सुल्तान की फौज लग गई, दमन चक्र शुरू हो गया। हमको पाते वो मारते, उनको पाते हम मारते। अबे खून खराबा शुरू हो गया, इतना खून खराबा शुरू हो गया कि हैदराबाद का निजाम भी मुसलमान शासक था। निजाम को ये बात अच्छी नहीं लगी, मारतंड को अच्छी नहीं लगी, केरल के शासक को। टीपू अपने मैसूर में जो शासन करना चाहे, जो आदेश करना चाहे कर ले, वो कर ले। लेकिन हमारे यहां ये टीपू ऐसा आदेश करके, लेकिन टीपू सुल्तान ऐसा शासक था जिसे अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट घबराती थी। जानते हैं टीपू ही भारत का एक ऐसा शासक था, छोटा था राज, लेकिन टीपू सुल्तान के पास ही रॉकेट थे उस जमाने में। रॉकेट से गोरी चमड़ी वाले भयभीत रहा करते थे। राकेट खत्म हो जाने के बाद, टीपू के मर जाने के बाद ही हम अधीर हो गए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसी को परिवर्तन करके, राकेट को परिवर्तन करके हम मिसाइल का रूप दे दिया। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये तमाम मिसाइल का रूप दे दिया। लेकिन मेरे हाँ टारगेट वही है। इसलिए अंग्रेज घबरा रहे थे। अंग्रेजों का पहला निशाना था कि अगर हम मैसूर पर कब्जा कर लेंगे तो भारत में एक दिन में हम भारत पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, अपना अधिकार जमा सकते हैं। लेकिन बिरहा में लिखे परगलियाल हमें क्या भाव है, अत्याचार हो पढ़े लब तब हरी अकेले बात के सब 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 कहला। जब जब अत्याचार बढ़ेला, आतंक बढ़ेला, तब तक भगवान कोनो न कोनो रूप में आवल। यह तो गरीबन के मिल गल, यह गरीबन के मिल गल। चारों तरफ पीपू का हो ले जाया करिया, चारों तरफ पीपू का हो ले जाया करिया।
गरीबों की बहन बेटियां जब सुरक्षित हो गई, महफूज हो गई, खुशी का ठिकाना नहीं। अब हम के सामने टीपू जैसा कोई देवता ही नहीं दिखाई दिया। टीपू का जय, टीपू के नाम की जय, चारों तरफ वाहवाही हो गई। और ये चीज हमारी वाहवाही उनको दिक्कत कर गई। अब देखें निजाम और मार्तंड दोनों मिलकर के अंग्रेजों से मुखबिरी किए। अंग्रेजों से मुखबिरी करते हैं, उनको गलत संदेश देते हैं, यही पर वोट डालो राज करो की बात आ गई। आखिरकार इसका परिणाम क्या निकला? कैला मुखबिरी तब पापी मेरा दैया। एक तरफ से मारतंड की सेना, एक तरफ से निजाम की सेना हैदराबादी, ये धोखा देकर के अंग्रेजों के साथ हो गए, नीचा दिखाने के लिए कि टीपू की मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। टीपू लड़ते हुए देखें हुआ क्या? अरे जवने टीपू से बोरे कई बेर हर चार मई को टीपू सुल्तान 77 को, 4 मई 77 को टीपू सुल्तान शहीद हो गए। आज जब टीपू सुल्तान मार दिए गए, अब अंग्रेज, अब हम हैदराबाद वाले की बड़ाई करें या मारतंड की बड़ाई करें, वहीं से अंग्रेज अपना पताका फहरा दिए कि अब भारत पर अधिकार हमारा हो गया। भारत में तो जगह जगह नींव डाल दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इनके घर में हम घुसे हैं, कहीं घेर करके हमको मार न दें। लेकिन जब टीपू का ये रॉकेट खत्म हो गया और टीपू सुल्तान मार दिए गए, तो अंग्रेज उसी दिन आवाज दे दिया कि अब भारत पर हमें कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। चारों तरफ देश पर हाहाकार हो गया अंग्रेजों का। जब हाहाकार हो गया मेरे दोस्त, लेकिन एक चीज है, हमारे सामने तो अंधकार हो गया। चाहे हम दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे गरीब तबके किसी भी बिरादरी के लोग हो, देखें हर समाज में गरीब है, हर समाज में गरीब है। हम परेशान तो थे ही, लेकिन एक चीज और हुआ कि हमारे नौजवान इस कारवां को रोके नहीं। हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज गौर करेंगे, हमारे नौजवान टीपू ने जो कारवां बना करके, जो संगठन बना करके हमें दे दिया, वो संगठन रुका नहीं, वो संगठन आगे लड़ता रहा। इसका परिणाम आगे चल के मिला क्या? क्या मिला? कि छत्रपति साहू जी ऐलान कर दी है। हमन के आरक्षण का जनक कहल जला छत्रपति साहू जी महाराज, कोल्हापुर के राजा। सबसे पहले कोल्हापुर के राजा 50% आरक्षण की घोषणा अपने हाथ कर दिए, ऐलान कर दिए, हम आप सबके लिए हॉस्पिटल बनवाए, हम आप सबके लिए विद्यालय खुलवाए, हम आप सबके लिए दुकानें खुलवाए। और उस दुकान पर जाकर के स्वयं चाय पीते थे और पैसा भी देते थे, अपने ही पैसा देके दुकान खुलवाले। उनके लोग देखत हो तो झेरत हो कि बतावा ई कैसन जमींदार हो, कैसन शासक हुए कि अपन ही पैसा दे के गरीबन के बढ़ावा देते हुए। हर समाज में कहीं न कहीं इंसान भगवान का रूप दिखाई देता है। और हॉस्टल भी बनवाए, पढ़ने का आदेश कर दिए,
और ये मामला आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे हुआ क्या? अरे वो ही रही आप चल साहब अम्बेडकर, वही रही आप चल साहब अम्बेडकर, कहीं संविधान या भारत का तैयार। मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने का, तो संविधान लिखते समय एक बहुत बड़ा काम कर गए। संविधान तो लिख रहे हैं देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन हमारे लोग गुलाम के गुलाम ही रह जाएंगे। इनको आजादी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी इनको आजादी? तो आरक्षण में 41 में और 42 में दलित और बैकवर्ड को सूची में डाल करके आपने अधिकार दे दिया। अधिकार तो मिल गया लेकिन लिखित मिला, देश आजाद हो गया। 1947 में हम आजाद हो गए, अधूरी आजादी मिली भैया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अब हम पूर्ण रूपेण हम आजाद हो गए। लेकिन कहने को आजाद हो गए, आजादी हमारी जानते हैं कब मिली? कहे ना हमारे भाई कि हम प्रधान थे, मैंने कहा कि हम दो बार जिला पंचायत थे, इस समय दोनों, उस समय भी दोनों पति पत्नी हम जिला पंचायत रहे, आज भी हम दोनों पति पत्नी क्षेत्र पंचायत है। अगर ये अधिकार नहीं मिलता तो क्या ये मौका मिलता इस गरीब के बेटे को? लेकिन ये तने ना, ये अधिकार मिलन कब? ये संविधान तो लिख दिया गया, पारित भी हो गया 50 में, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आपका अधिकार कब मिला? क्या अरे कांसी राम मुलायम गठबंधन जब कैले, कांसी राम मुलायम गठबंधन जब कैले, अब बीपी सिंह का केंद्र में बनौला सरकार, बीपी सिंह का केंद्र में बनौला सरकार, मंडल कभी से लागू भैया कहीं पर खरीदा, चारों तरफ के सवाल में तमाम तमाम सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन आपका अधिकार उसी संविधान में दबा का दबा ही रह गया। बाबा साहब ने कहा था जब तक इसको चलाने वाला सही ढंग से नहीं पहुंचेगा तब तक आपका अधिकार आपको मिलेगा नहीं। मंडल कमीशन लोग वोट क्लब पर दिल्ली में धरना दिए, सहयोग से माननीय बीपी सिंह की सरकार बनी, केंद्र में प्रधानमंत्री बने, वादा किए थे, शर्त थी। अब मंडल कमीशन जब लागू हो गया तो इसके भी विरोध में लोग खड़े हो गए, इसके भी विरोध में खड़े हो गए। इतना ही नहीं, आखिरकार लाख विरोध करते रह गए, लेकिन आपको त्रिस्तरीय चुनाव का अधिकार पूर्ण रूप से मिल गया। वही 1995 में आप क्षेत्र पंचायत, नहीं तो केहू जमतर रह की क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत ना रहे जिला परिषद रहे, मनोनीत कर दहलिया प्रमुखी। और जब हर जगह आपको अधिकार मिला तो उसी समय देखे केंद्र के आदेश पर, केंद्र के आदेश पर उस गांव में सीट रिजर्व हो गई। जौने गांव का मोहन पहलवान स्वर्गी, जिस गांव के जग्गू हेजा आए है, सीट आरक्षित हो गई। जब आरक्षित हो गई तो लोग लाचार होकर के दरवाजे पर गए और शेखर बेटा को बुलाए, बोले बेटा शेखर से पहले देखे अहेजा जग्गू भी मर गए, जग्गू भी मर गए, लेकिन जग्गू एक बहुत बड़ा काम करते थे मोहन के यादाश्त में। खैर शेखर के करीब में लोग पहुंचे और करीब में बुलाकर बोले बधाई हो बेटा, बधाई हो। शेखर यहेजा बोला चचा कैसन बधाई, कल आओ बेटा, बधाई है ना, हमन कुछ यजुए देवेगी। जानते हो अब सीट गांव का प्रधानी आरक्षित हो गई, सम्मानित परिवार का आदमी तो हुआ, सदैव सम्मान के लिए तो हर परिवार खानदान लड़ल हो। हमहन के दिमाग में आ गल है कि बहुत
ऊंचा चीज है प्रधानी, तब तो होके हम प्रधान बनावलिया ऊंट देके तो लायक हुआ बेटा। और आज से वो दुश्मनी वो मुकदमा कुल खत्म हो जाए बेटा। हमन का हमेशा हमेशा बाप दादा में का भयल ना भयल, जग्गू हेजा के बेटा से कह लो का भयल ना भयल के खत्म करा। बड़ा खुश भर लड़का कि हम प्रधान बन जाए, अच्छी बात हा बेटा। सीटिया हो गई तो लोन कर, अब मजबूरी खा सीट तो हम लोगों का हो गई तो तोहसे बढ़िया केहू लौकत है ना। बड़ा खुश भर लेकिन एक ठे दीवार रखते हैं ना लोग। एक काम करा बेटा, जौन मोहन पहलवान का फोटो हुआ घरवा में रख ले हुआ, वो फोटो के जग्गू जबले जियले तबले पूजा करे ना। एक दिन पूर्ण तिथि मनावे, जन्म उत्सव मनावे और रोजाना नहा धो के पहले अपने दोस्त के सामने दूठे अगरबत्ती जला ले, तब एक बात जग्गू पानी पिए। अब मरे जब लगल तो अपने शेखर बेटा से कहले, बेटा हमार दोस्त मर गए लेकिन जानत हुआ सम्मान पर मरल हुए और हमार मिताई अमर है बेटा, कब हूँ हमारे दोस्त के सामने तोहके ना सपरी तो हाथ है जोड़ के एक लोटा पानी गिरा दिया, लेकिन गिरा दिया। आए है यही फोटवा के तो लोग मांग कर दिल कि बेटा मोहन पहलवान का फोटवा लियावा, अब अकेला पूजा तो हम लोग ना करवा, अब ये फोटो के हम संगमरमर का मूर्ति बनवावल जाई और होली मार्च में है, अप्रैल में चुनाव रहे, अप्रैल में चुनाव है, चुनाव से पहले ही ए बेटा हम चाहते हैं कि मूर्तियां बन के तैयार हो जा, आ जब तोहके प्रधान बना ले जा तब तो रही हाथे से चौराहे पर अनावरण हो है। और अब एकर पूजा ए मूर्ति का पूजा मोहन पहलवान के याद में पूरी जनता करी, पूरा इलाका करी। बड़ा खुश भर लड़का कि हमारे बाप दादा के निशानी लिया कि मोहन पहलवान को फोटो दे दे। अच्छा मोहन पहलवान का फोटो दे दिलस तो मैंने बताया कि होली का समय मार्च में था और जब ये लोग फोटो पा गए मोहन पहलवान का जरा सा गौर करेंगे कलेजे पर हाथ रखना पड़ता है, तो मोहन पहलवान का टिट्ठी सजाने लोग आ टिट्ठी सजा के वही पर फोटोआ रख ले, माला फूल रख ले आ गाजा बाजा के साथ नारा लगावत मोहन पहलवान का सौदा कर जाते। ये फोटो हुए कि जला दे यही होलिका में, न मोहन पहलवान का फोटो रही नहीं याददाश्त ही कलेजे पर दाल धरी। तबले कौनो लड़का आए के बता दल शेखर से कि शेखर भैया मोहन बाबा का फोटो हुआ लोग जलावे जाते, फोटो से इतना बड़ा नफरत, फोटो से इतना बड़ी नफरत। आज जब शेखर यह हेजा सुनलस देखा था कि बाजा गाजा के साथ लोग आवत हुए, दस ठे छोकरन ले के जा के सामने खड़ा हो गल, एक ठे बाप कलस लाठी डंडा लेके कहलस का
बच्चों को बुलाया, भैया जल्दी आवा, मरे के अपमान का समय आ गई, अपमान मरल जाए लेकिन अपने जीते जी। दादा अपने पूर्व जी के फोटो यागी में ना जलते, जवान खड़ा हो गए लाठी डंडा लेके। आ जब लाठी डंडा शुरू भयल तो टिठिया छोड़ के लोग भगल, फिर से फोटो उठावल गल मोहन पहलवान के घरे लियावल गल। वो जवान के बीच में, संगठन के बीच में एक आवाज दहल गल, का दहल गई, मोहन और जग्गू आज सबके चेतावन, मोहन और जग्गू आज सबके चेतावन, एकता बनावाई है स्वर्ग से बतावन। और चुनाव हुआ, उस चुनाव में बिना कहे एकता बनी और शेखर अहेजा प्रधान बना, और आज तक वहां की एकता अखंडता अछूत है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, ये फूट जब तक एकता में नहीं बदलेंगे तब तक शासन सत्ता के करीब में नहीं जा पाएंगे। अब वरदान से काम ना चलिए, अब कुर्बानी देने का जरूरत है, अब त्याग के लिए जरूरत है, तपस्या के लिए जरूरत है, एक संगठन बनाव की जरूरत है। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम, महाभारत फिर रचाई हिंद में।